तो मैं बात करने वाला हूँ बच्चों में पॉपुलर एंटीबायोटिक सस्पेंशन की डोज किस प्रकार से कैलकुलेट करें, वो भी ml में, और उसके यूज क्या होते हैं, उसकी साइड इफेक्ट क्या होती है, उन सब के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। तो इसमें अगर हम सबसे पहले बात करेंगे यूज की, यानी एंटीबायोटिक जो भी सस्पेंशन या सीरप आते हैं मार्केट में, उनका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है बच्चों में। तो सबसे पहले यूज की बात करेंगे तो वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर बच्चों में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाएगा। ईयर इन्फेक्शन, अगर कानों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो तो वहाँ पे यूज किए जाएंगे। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, अगर आंतों में किसी प्रकार का संक्रमण हो गया हो तो वहाँ पे यूज किए जाएंगे। ब्रोंकाइटिस, अगर लंग में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो तो वहाँ पे इस एंटीबायोटिक सस्पेंशन और सीरप का उपयोग किया जाता है बच्चों में। तो इसमें एक एक एंटीबायोटिक के बारे में फुल डिटेल आपको जानकारी मिलने वाली है। तो इसमें सबसे पहले सस्पेंशन की बात करेंगे तो वो है सिफेक्जिम ओरल सस्पेंशन। सिफेक्जिम जो कि सेफलोस्पोरिन ग्रुप की मेडिसिन है, अगर इसके हम डोज की बात करें तो इसका जो प्रॉपर डोज होता है 8-10 mg पर kg पर डे के हिसाब से इसकी डोज दी जाती है। अगर हम इसके स्ट्रेंथ की बात करें कि मार्केट में ये कितने कितने स्ट्रेंथ में मिल जाएगा, तो 25 mg, 50 mg, 100 mg और 200 mg में आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। इसके जो फेमस ब्रांड नेम है वो है जीपी और टैक्सी, ये दो फेमस ब्रांड नेम है। अगर बात करें तो ईच 5 ml कंटेंट 50 mg सिफेक्जिम, अगर 5 ml हम बच्चे को दे रहे हैं तो उसमें 50 mg सिफेक्जिम रहेगा। अगर उसी हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो 1 ml में कितना रहेगा, 10 mg सिफेक्जिम रहेगा। अभी इस हिसाब से अगर बच्चे की वजन जो है वो 4 kg की है, यानी बच्चे की जो वजन है वो 4 kg की है, तो उसको कितनी ml की डोज देनी होगी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 × 10 यानी कितना हो गया, 40। अब 1 ml में 10 mg होता है तो 40 mg में कितना रहेगा, 4 ml, यानी बच्चे को हमें कितनी ml देनी पड़ेगी, 4 ml। और ये हमेशा बीडी दी जाती है, यानी एक दिन में 2 बार दी जा सकती है। अगर सीवियरिटी ज़्यादा है तो 7 से 14 दिन तक कंटिन्यू बच्चे को दिया जा सकता है। अगर इसके हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके जो मेनली साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले हैं वो चेस्ट में पेन हो सकती है, फीवर हो सकता है, सोर थ्रोट की प्रॉब्लम हो सकती है, डायरिया हो सकती है, डिजनेस हो सकती है, ये इसके कॉमनली साइड इफ़ेक्ट है। अगर नेक्स्ट सीरप की बात करें तो वह एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन अगर इसके हम डोज की बात करें तो ये 10 mg पर kg पर डे के हिसाब से दिया जा सकता है। एजिथ्रोमाइसिन जो कि माइक्रोलिड एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, अगर इसके हम स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 100 mg में और 200 mg में आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। ईच 5 ml कंटेन 200 mg एजिथ्रोमाइसिन, यानी 5 ml अगर हम बच्चे को दे रहे हैं तो उसमें 200 mg एजिथ्रोमाइसिन रहेगी। अगर हम बच्चे को 1 ml देंगे तो कितना रहेगा, 40 mg। उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो मान लें कि बच्चे की वजन जो है वो 3 kg की है, यानी बच्चे की वजन 3 kg की है, तो हमें वहाँ पे उसको कितने ml देने पड़ेंगे, तो 1 ml में 40 mg, तो 3 में कितना हो जाएगा, यानी 40 × 3 यानी कितना हो जाएगा, 120, ठीक है, 120 हो जाएगा। तो हमें कितना वजन है, क्योंकि 1 में कितना रहेगा, 40 mg, तो 3 में कितना हो गया, 120 mg, यानी हमें कितना ml देना पड़ेगा, यानी उसको हमें 3 ml देना पड़ेगा। और ये हमेशा दी जाती है 1 घंटे पहले या 2 घंटे खाना खाने के बाद। अगर इसके हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो डायरिया हो सकती है, नौजिया हो सकती है, एब्डामिनल एरिया में पेन हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है और फीवर आ सकता है। अगर हम नेक्स्ट सीरप की बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट सीरप है वो है सीफोडॉक्सिन। सीफोडॉक्सिन जो कि 3rd generation सिफलोस्पोरिन ग्रुप की मेडिसिन है, अगर इसके हम डोज की बात करें तो 5 mg पर kg पर डे के हिसाब से इसकी डोज दी जाती है, और ये कंटेन रखता है ईच 5 ml 100 mg सीफोडॉक्सिन, यानी अगर 5 ml हम बच्चे को दे रहे हैं तो उसमें 100 mg सीफोडॉक्सिन रहेगी। अगर इसके हम फेमस ब्रांड नेम की बात करें तो ऑक्सीपोड मोनोसेप ओ इसके फेमस ब्रांड नेम है। अगर हम बात करें इसमें 1 ml में अगर 20 mg रहता है तो अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट अगर बच्चे की वजन 4 kg की है, यानी बच्चे की वजन 4 kg की है, तो वहाँ पे उसको कितने ml सीरप देनी होगी, तो 1 ml में 20, ठीक है,
तो 4 किलोग्राम का बच्चा है तो वहाँ पे उसको कितनी देनी होगी, यानी 80 mg. 80 mg का मतलब कितना हुआ कि 1 ml में 20 mg, तो 80 mg में कितना हो जाएगा, 4 ml. ठीक है, यानी बच्चे को कितनी डोज देनी होगी, 4 ml डोज देनी होगी, वो भी एक दिन में 2 बार, यानी BD देनी होगी. ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से डोज कैलकुलेट कर सकते हैं एंटीबायोटिक की. इससे पहले हमने एक वीडियो और अपलोड की थी एंटीबायोटिक सिरप की डोज किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है. अगर वो वीडियो आपने अभी नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं. दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए. थैंक यू दोस्तों.